स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने बताया था लास्ट क्लास में इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस क्या था मेरा, 100% हाइडिंग डेटा, ठीक है, डेटा छुपाना ही, और साथ ही साथ ये तो ठीक ही है, ये तो छुपा ही रहा है, ठीक है। बोला कि इसके बाद क्या है मेरा, तो इसके बाद हमारा है पहले तो इसका एग्जांपल हम लोग देखे थे ना लास्ट क्लास में कि इंटरफेस में हम लोग क्या क्या सीखे हैं एक बार देख ले। अच्छा, इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो है मल्टीपल्स इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, ठीक है, ओके एक बार देख लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। इंटरफेस, इंटरफेस एग्जांपल इन जावा, जावा टी पॉइंट बेस्ट है, ठीक है। अरे तो पहले इंटरफेस क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। एन इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास, इट हैज़ स्टैटिक कॉन्स्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दिखाएंगे वो तो। एन इंटरफेस इन जावा अचीव एब्स्ट्रक्शन, ये भी हाइडिंग का ही तरीका है, बस अब देखते हैं। वाई यूज, तो इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रक्शन बाई इंटरफेस, वी कैन सपोर्ट सपोर्ट द फंक्शनलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड जो भी हो। इट कैन बी यूज टू अचीव लूजिंग कपलिंग, अब कपलिंग क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। कपलिंग वही होता है कि अगर आपको पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में अगर एक ही नाम का फंक्शन है तो उसको कैसे हो हटाते हैं, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास नहीं, दोनों पेरेंट क्लास के पास अगर एक ही नाम का फंक्शन है तो ये कैसे हटाते हैं, ये भी आप इसमें हटा सकते हो, ठीक है। कैसे डिक्लेयर करते हैं इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, ओके ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो एक एग्जांपल से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेसेस, अगर मैं क्लास से क्लास को खींचूंगा तो एक्सटेंस कीवर्ड, इंटरफेस से इंटरफेस खींचूंगा तो एक्सटेंस कीवर्ड, और इंटरफेस उल्टा कभी भी ये ऐसे नहीं होता, पढ़ा ऐसे जाता है, इंटरफेस से अगर क्लास खींचूंगा तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, एरो उल्टा जो लोग बनाते हैं, कोई कोई ऑब्वियसली टीचर, अच्छा अच्छा टीचर भी उल्टा एरो बनाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में आपका खींचा हुआ है भले, लेकिन इसके पास ज़्यादा फैसिलिटी होता है उल्टा ना, तो इसीलिए फैसिलिटीज किसके पास ज़्यादा होगा वो क्लास के पास ज़्यादा, उसके बाद इंटरफेस क्या कमांड से पहले क्लास के पास जाता है, सबसे पहला पहले क्लास के पास जाता है, बिल्कुल सही है, जिसमें मेन फंक्शन होगा वहीं से शुरू होगा, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन रहेगा, ठीक है। अब आते हैं एक एग्जांपल से, चलिए। बोला एक इंटरफेस बनाए प्रिंटेबल, जिसमें void print नाम का एक फंक्शन बना दिए, एक क्लास बनाए ए इम्प्लीमेंट्स प्रिंटेबल, तो डिक्लेरेशन इसमें, डेफिनेशन इसमें, उसमें क्या हैलो, तो मैंने क्या किया है ए का ऑब्जेक्ट बना के, ये एक तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही भी नहीं है, ये अगर करना रहता तो ये सब फालतू का किए है ना, तो एक्चुअली तरीका क्या होगा आपका, प्रिंटेबल क्लास का ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस इसका बनेगा, ठीक है। तो ये जो भी हो ना, ये तो एक था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको मल्टीपल दिखा रहे हैं, लगे जब देखिए इंटरफेस बनाए ड्रॉएबल नाम का, जिसमें रेक्टेंगल एक अलग है, सर्किल एक अलग है, तो आप ड्रॉएबल का डिक्लेरेशन और सर्किल का इंस्टेंस, तो आपको सिर्फ सर्किल वाला ड्रॉ कॉल कर सकते हो, वो वाला नहीं कॉल कर सकते हो, तो ये भी, लेकिन अभी तक सिंगल सिंगल, ये सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्ट किया है ना जी, ये सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्ट किया, ये दो क्लास बना हुआ, लेकिन कुछ ऐसा डायग्राम है, ये एक्चुअली में ये इस तरह है कि मैंने ड्रॉएबल बोल के क्लास है, ड्रॉएबल बोल के इंटरफेस है, जहाँ से सर्किल और ड्रॉ ये दोनों खींचा हुआ है, सर्किल एंड रेक्टेंगल जो भी हो नाम, ये कुछ इस तरह है, लेकिन ये तो ये किस में आता है, सर्किल ये आप सिंगल में भी मान सकते हो, हायरार्की में भी मान सकते हो, है ना, क्योंकि हायरार्की में और अगर आगे बढ़ेगा तो हायरार्की आ जाएगा, एक तक सिंगल भी बोल सकते हैं, हायरार्की भी बोल सकते हैं, ठीक है। बोला गया लास्ट में, अब मुझे ये भी नहीं समझना है, मुझे मल्टीपल वाला समझना है, ठीक है। बोला गया कि चलो एक बैंक जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI उसका चाइल्ड क्लास है बैंक का, PNB भी उसका चाइल्ड क्लास है, अब आपको SBI का तो बैंक का ऑब्जेक्ट, SBI का कंस्ट्रक्टर और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, तो SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, है ना, ये भी लेकिन उसी के अंदर आता है, ये तक सिंगल, अब आता है मल्टीपल और हाइब्रिड वाला, ठीक है। लगे कैसे करेंगे,
इंटरफेस इंटरफेस क्या क्लास से हम खींच सकते हैं? तो बोला नहीं, इंटरफेस से दो दो इंटरफेस से एक क्लास खींच सकते हैं तब भी नहीं, लेकिन क्या दो इंटरफेस से पॉसिबल है? तो हाँ, ठीक है। इफ अ क्लास इंप्लीमेंट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस और एन इंटरफेस एक्सटेंस मल्टीपल इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस, देखते हैं तो सच में ये सपोर्ट करता है। एक बार देख लेते हैं, ये वाला सपोर्ट करता है जी, अगर आउटपुट आ गया तो सच में सपोर्ट करता है। तो ये ध्यान कभी नहीं दिए थे हम। एक इंटरफेस प्रिंटेबल, एक सोएबल बोल के इंटरफेस जिसमें प्रिंट नाम का फंक्शन और सो नाम का फंक्शन, और क्लास इंप्लीमेंट्स प्रिंटेबल एंड सोएबल, ठीक है, दोनों का डिफिनेशन, उसी में मेन फंक्शन भी, तो क्या सपोर्ट किया? बोला हाँ सपोर्ट किया, तो मतलब काम करता है, ठीक है। क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास से नहीं सपोर्ट करता, अब ये चीज़ तो लिमिटेशन है, मैंने इंटरफेस से सपोर्ट कर गया इसलिए, ठीक है, दो क्लास से नहीं करता, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्ट थ्रू क्लास इन जावा बट इट इज पॉसिबल बाय इंटरफेस, वाई? अब उसका रीजन दिया हुआ है, ठीक है। एज वी हैव एक्सप्लेन्ड इन द इनहेरिटेंस चैप्टर, मल्टीपल इनहेरिटेंस डज नॉट सपोर्ट, एक ही चीज़ बकवास लिखा है। बोला क्यों? क्योंकि एम्बिग्यूटी का प्रॉब्लम होता है, मतलब अगर पेरेंट दोनों पेरेंट क्लास में अगर एक ही नाम का फंक्शन है तो प्रॉब्लम होता है। कैसे हो सकता है ये? दोनों का डिक्लेरेशन हो सकता है, डिफिनेशन तो आपको चाइल्ड में ही रहेगा, दोनों इंटरफेस में अगर बाल्टी बाल्टी नाम का फंक्शन भी रहेगा तो डिक्लेरेशन रहेगा, डिफिनेशन कहाँ है? डिफिनेशन तो आपके चाइल्ड के पास ही है, और क्लास में क्या हो सकता है? दोनों में डिफिनेशन हो सकता है, इसलिए वो प्रॉब्लम था, इसलिए सपोर्ट कर जाता है, उसका रीज़न बताया है ना, समझे आप? yes. कि पहला क्लास है पेरेंट क्लास, दूसरा भी पेरेंट क्लास है, दोनों में अगर बाल्टी बाल्टी नाम का डिफिनेशन है, अब इसको प्रॉब्लम होगा किस बाल्टी को कॉल करें, लेकिन दोनों के पास बाल्टी नाम का डिक्लेरेशन है, डिफिनेशन उसके चाइल्ड के पास ही होगा, उसको प्रॉब्लम कहाँ है ना जी? मैंने उस पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट बना के बाल्टी को कॉल कर सकता है, मम्मी मैंने पापा वाला भी मम्मी वाला भी अगर ऑब्जेक्ट बना के बाल्टी को कॉल कर सकता है, है ना? तो इसलिए एम्बिग्यूटी का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया, इट इज़ बिकॉज इट्स इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द इम्प्लीमेंटेशन क्लास, जो भी है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दिया हुआ है, जैसे यहाँ प्रिंटेबल, अच्छा ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना जी? अगर इसमें भी प्रिंट नाम का फंक्शन है, इसमें भी प्रिंट नाम का फंक्शन है, ये चीज़ तो ये हाँ ये कभी भी हम ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन होता है, ये समझ में आ गया, डिफिनेशन तो एक ही जगह पे है, इसलिए सपोर्ट करता है, ठीक है। अब आता है मल्टीपल, लास्ट में मैंने यही समझाया था आपको लास्ट क्लास में, एक प्रिंटेबल एक सोएबल जो कि प्रिंटेबल से है, ये तो मल्टी लेवल हो गया, जो कि प्रिंटेबल से है, ओके, अच्छा इसका भी इसका भी। अब आता है कि आप अगर सोएबल से खींचते हैं तो आपके पास प्रिंट भी मिल गया, सो भी मिल गया, दोनों डिफिनेशन भी कर सकते हैं, ये भी मल्टीपल नहीं हुआ, मल्टीपल तो अलग ही था, ठीक है ना, ये मल्टीपल नहीं हुआ, ये मल्टी लेवल हो गया एक तरह से। बिल्कुल सही बोले हैं कि आप सर एक्सटेंड करने का ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, बात सही है, ठीक है, लेकिन अगर दो तीन लेवल का तब इस एग्जांपल में तो ज़रूरत नहीं है, तो मल्टीपल के लिए भी सपोर्ट कर जाए, इसलिए तो एग्जांपल पे मत जाइए आप, मैंने इस चीज़ों को समझिए खाली कि क्यों ज़रूरत था। तो आप हो सकता है कि आप खींच दिए, आपके पास डबल भी खींच सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपको ये एक एग्जांपल से, लास्ट क्लास में मैंने जो एग्जांपल दिया था वो सच था, ठीक है, यहाँ पे भी तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं लास्ट क्लास में क्या दिया था जी, बैंक वाला एग्जांपल ना, बैंक में, ठीक है, बैंक में हाँ जी, बैंक एक डिपार्टमेंट है, लोन एक अलग डिपार्टमेंट है, ये भी इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है, सिक्योरिटी गार्ड भी एक इंटरफेस ही है, ठीक है, आप दोनों को उससे खींच सकते हो, और इससे हम क्लास को इम्प्लीमेंट्स किए, तो ये पर्सन जो पर्सन लोन लेने वाला है, ठीक है, ओके ओके, तो आपके पास आप मैंने तरीका है, तो ये भी एक्सटेंस, क्योंकि इंटरफेस से इंटरफेस खींचा जा रहा है, एक्सटेंस एक्सटेंस जो भी है, ये भी एक्सटेंस एक्सटेंस, ये इम्प्लीमेंट्स, तो आपके पास पूरा का पूरा चीज़ें, तो मल्टीपल यहाँ पे एक से दिखाया गया है, तो आपको तरीका सिखा दिया गया कैसे करते हैं,
आपको ऐसे ये वाला प्रोसेस दिखाया गया इस एग्जांपल में, समझे? तो इसलिए आप दो तीन का भी एग्जांपल कर सकते हैं। बोला और कुछ देखते हैं, डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। बोला इंटरफेस में क्या हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि इंटरफेस में तो सिर्फ ये कर सकते हैं, मैंने डिक्लेरेशन डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लगा के आप कर रहे हो, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लगा के अगर आप करते हो, देखते हैं। लेकिन ये जावा 8 के बाद, जावा 8 से पहले आप नहीं कर सकते ये, ठीक है। जावा 8 के बाद ये वाला नया चीज़ इंक्लूड हुआ है, वी कैन हैव मेथड बॉडी इन इंटरफेस बट वी नीड टू मेक इट डिफ़ॉल्ट मेथड, मैंने आगे में डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आपको लगा के, ठीक है। मतलब कहना क्या चाहता है, मैं आपको चीज़ें को समझाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लीजिए मैं जब आपको स्ट्रक्चर से या क्लास से समझाता हूँ तो आप समझ ही रहे हो कि मान लीजिए AICT का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपको मे बी आपका नाम वेरी कर सकता है, बच्चे का नाम वेरी कर सकता है, बच्चे का मान लीजिए जो भी हो, कुछ भी डेटा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, लेकिन मान लीजिए रजिस्ट्रेशन फीस, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फीस मैं चाहता नहीं हूँ कि सबका वेरी करें, क्योंकि इससे क्या प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए कभी कभी सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन फीस वेरी करेगा तो दिक्कत क्या होगा, कौन दिया कौन नहीं दिया दिमाग में कौन रखेगा, इतना एक स्टैंडर्ड फीस होना चाहिए कि भाई 550 रुपया दे के मिनिमम आपको रजिस्ट्रेशन करना ही है, और सबके लिए पहला इंस्टॉलमेंट अगर यही रखा जाए तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व है, कि भैया सबका एक साथ दिया जा रहा है, एक साथ लिया जा रहा है, ऐसे कुछ कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डाल के रखा जाता है कभी कभी, तो यही है डिफ़ॉल्ट वो लगेगा। लेकिन ये चीज़ आपको डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लगा के, ये तो वेरिएबल था, वो तो फंक्शन है, फंक्शन को आपको इंटरफेस के अंदर अगर फंक्शन डिफाइन करना है तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लगा के। एक बार देख लेते हैं एग्जांपल, एक ड्रॉएबल बोल के इंटरफेस है जिसमें एक ड्रॉ नाम का डिक्लेरेशन है, मैसेज नाम का डिफिनेशन है, ठीक है। रेक्टेंगल जो कि ड्रॉ का अच्छा क्लास है, इम्प्लीमेंट्स किया गया है, ठीक है, और ये कोई थर्ड क्लास है, ड्रॉएबल का डिक्लेरेशन, ड्रॉएबल का डिक्लेरेशन और रेक्टेंगल का डिफिनेशन, तो ड्रॉ और मैसेज दोनों को कॉल कर सकता है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। बोला कर सकता है, क्योंकि मैंने एज अ मैंने इंटरफेस को आप एज अ एब्स्ट्रक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लगा, ठीक है। लेकिन कुछ नोटिस करना दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें पब्लिक कीवर्ड लगेगा ही लगेगा, ये डिफरेंस था, ठीक है, एक्सेस, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कि नहीं भाई एक बार चेक कर लेते हैं बिना डिफ़ॉल्ट के कुछ अदर कोड लिख के, ये तो आई वाज नॉट फाउंड, कल तो एरर मार दिया, कंपाइलर सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये हम लोग एक बार करके भी देख लेंगे। अच्छा ठीक है, स्टैटिक मेथड, बोला स्टैटिक मेथड इन जावा 8 वी कैन हैव स्टैटिक मेथड इन द इंटरफेस, ये भी बोल सकता है, रह सकता है, ठीक है। बोला इसको भी यूज़ कर सकते हैं क्या, देखते हैं इसको भी यूज़ कर सकते हैं क्या, जी ये भी काम कर रहा है, मतलब स्टैटिक कीवर्ड भी लगा के आप उसको डिक्लेरेशन, लेकिन ध्यान से जावा 8 के बाद, जावा 7 में अगर आप करना चाहोगे तो काम नहीं करेगा। जावा 8 के बाद बहुत कुछ नया चेंजेस आया है, इसीलिए जावा भी पॉपुलर 8 के बाद ही, 1.8 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, ठीक है। अभी तो जावा 17 चल रहा, बहुत दूर है, ठीक है। तो जावा 8 के बाद बहुत सारा चीज़ें चेंज हो गया है। इसमें सिंपल है, वही है, इंटरफेस के अंदर एक ड्रॉ नाम का फंक्शन है, एक स्टैटिक कीवर्ड लगा के आप डायरेक्टली क्यूब नाम का एक फंक्शन जिसमें आप पैरामीटर अगर एक्स भेजोगे तो वो रिटर्न करेगा एक्स का क्यूब, ठीक है, ओके। एक ड्रॉएबल, हाँ तो डेफिनेशन की तरह लगा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर सकते लेकिन स्टैटिक लगा के लगा सकते हैं, डिफॉल्ट लगा के लगा सकते हैं। व्हाट इज क्या, फिर से ऐसे ये स्टैटिक लगा कर कि ये कुछ आर्गुमेंट ले रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है, जी ये डिफॉल्ट भी काम करेगा। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, आप समझना दोनों में क्या डिफरेंस है। आप डिफॉल्ट में ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा, स्टैटिक में क्या फ़ायदा होता है, स्टैटिक में आपका फ़ायदा होता है ऑब्जेक्ट नहीं, डायरेक्टली क्लास का नाम दे के डॉट लगा के भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, यह स्टैटिक का फ़ायदा। कौन से क्लास में वो फंक्शन डिफाइंड है उन्हें ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता, समझे? अच्छा बोला गया कि अच्छा व्हाट इज़ मार्कर और टैग्ड इंटरफेस। अब ये क्या होता है एक बार देख लेते हैं। एन इंटरफेस विच हैज़ नो मेंबर
इज नोन एज मार्कर और टैग्ड इंटरफेस। मतलब कभी कभी होता है कि कोई फंक्शन डिक्लेरेशन लिखा ही नहीं गया है, ठीक है, तो बनाया किस लिए गया, बस वो कमेंट की तरह समझ लीजिए काम कर रहा है। इसलिए वो बोल रहा है कि एज अ मार्कर और टैग्ड इंटरफेस, फॉर एग्जांपल देखिए सीरियलाइजेशन, क्लोनेबल, रिमोट एक्सेट्रा। मतलब कहना क्या चाहता है कि कुछ चीज़ें ऐसा भी होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जैसे कमेंट की तरह ही काम करेगा, ठीक है, बेकार है, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। बोला नेस्टेड इंटरफेस कैसे बनाया जाता है, एक इंटरफेस के अंदर फिर से इंटरफेस भी बना सकते हैं, ठीक है। बोला क्या इतना ज़रूरी है, मुझे नहीं ज़रूरत है, मुझे जहाँ तक ज़रूरत है, जो चीज़ मेन प्रॉब्लम था वो है हम लोगों का कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे सपोर्ट करवाया जाए, ऐसे तो इंटरफेस समझ में आ ही गया था, ठीक है। जो मैं बोला था इससे ज़्यादा ये सब तो आपको समझ में आ गया, एक एक क्लास में बहुत कुछ समझ में आ गया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, मुझे ये इंटरव्यू में मैक्सिमम अगर आउट ऑफ 10 हम बोला जाए 8 कंपनी में डिफरेंस बिटवीन एरे एक एक एग्जांपल, ठीक है, ये पूछता ही है, और हर कंपनी का एक ही फोकस रहता है बच्चे से, अगर उसका कंसेप्ट जानना बेस्ट तरीका है भाई। टफ का टफ भी है, जल्दी समझ में नहीं आता। डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस क्लास, बोला एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मैथड बोथ, बोला इंटरफेस कैन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मैथड, मतलब सब हिडन ही रहता है, इन जावा 8 इट कैन बी डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मैथड ऑल्सो, ठीक है। ये तो नया अभी बोले ना कि ये कुछ अपडेट किया है, ठीक है, पहले ये नहीं था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल नॉन स्टैटिक, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल, इंटरफेस कैन हैव ओनली स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल। वेरिएबल फंक्शन का बात नहीं कर रहे, वेरिएबल में कौन कौन सा वेरिएबल रह सकता है, स्टैटिक और या तो फाइनल, या तो फिक्स होगा या तो स्टैटिक कीवर्ड लगा के, अभी नया वो भी जावा 8.1 के, मैंने जावा 8 के बाद ही सब कुछ, जावा 8 के बाद ही ये सब चीज़ें आया हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड्स द इम्प्लीमेंट्स ऑफ इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस कैन नॉट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैंने कहना क्या चाहता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस, इसका मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, हाँ मे बी हो सकता है, उसके आगे नीचे तो पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। इंटरफेस कैन नॉट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो आप नीचे पढ़ेंगे तो कुछ हो सकता है, ठीक है, वो 100 से नीचे नहीं आ सकता, एकदम सही बात है, ठीक है। द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस कीवर्ड इज यूज टू, ये तो बच्चा वाला एग्जांपल है, एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड्स अनदर जावा क्लास, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट्स मल्टीपल जावा। अच्छा, कहना क्या चाहता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कहना चाहता है उस लाइन का मतलब, आपका वाला जो लाइन हम जहाँ पे बोले कि क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा, बोल रहा है कि आप जैसे आपके पास प्री डिफाइंड भी तो बहुत सारे क्लास बने हुए रहते हैं ना, तो कहना क्या चाहता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये भी तो क्लास ही है, क्लास उसमें क्लास ये इम्प्लीमेंट्स हो सकता है इंटरफेस से, किसी अदर इंटरफेस बना के इसको इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं, ऐसे भी इंटरफेस से क्लास खींचे जा सकता है, इम्प्लीमेंट्स वो इंटरफेस, लेकिन बोला है इंटरफेस किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से नहीं खींचा जा सकता, इंटरफेस ए इम्प्लीमेंट्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसा नहीं हो सकता, वही लिखा हुआ है, आप पढ़िए अच्छे से। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस, बट इंटरफेस कैन नॉट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, समझ में आ गया चीज़। अब आता है क्या, इंटरफेस तो किसी को भी नहीं, एक्सटेंड तो कभी नहीं करेगा, इम्प्लीमेंट्स भी नहीं कर सकता, इंटरफेस इंटरफेस से खींचा जा सकता है खाली, क्लास से कभी खींचा नहीं जा सकता, ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी एक्सटेंडिंग द एक्सटेंडिंग यूजिंग कीवर्ड एक्सटेंड्स ऑब्वियसली, ठीक है, इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बताया है क्या, जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव क्लास मेंबर लाइक प्राइवेट प्रोटेक्टेड सब कुछ, इसमें बोला गया सिर्फ पब्लिक ही रह सकता है, वही जो उसका डिफिनेशन कहता है इसमें, इसमें दोनों चीज़ रह सकता है, किसी को सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है उसका ज़रूरत नहीं है मुझे, बाद बाकी एक एग्जाम्पल से दिया हुआ है, इंटरफेस में ए बी सी डी चारों का डिक्लेरेशन है,
एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी इम्प्लीमेंट्स ए, उसमें सी का डिफिनेशन है और भी नया कुछ डिक्लेरेशन भी हो सकता था इसमें भी, यहाँ पर तो सिर्फ डिफिनेशन दिखाया गया, लेकिन हम तो एक नया फंक्शन भी तो सर्च नाम का फंक्शन बनाते हैं जिसका डिक्लेरेशन उससे खींचते हैं तो उसका डिफिनेशन होता है, तो ऐसे करके कोडिंग कर सकते हैं। एक क्लास एम एक्सटेंड्स बी, बी से उसमें तीन का डिफिनेशन हुआ, क्लियर, मतलब बी क्लास में सिर्फ सी का डिफिनेशन हुआ, एम में बाद बाकी तीनों का हुआ, तो जब मैं एम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो चारों मिल जाएगा मुझे। हाँ, ये चीज़ है कि आपको ए का डिक्लेरेशन बी का इंस्टेंस, मतलब ए का डिक्लेरेशन एम का इंस्टेंस, एम का इंस्टेंस में अगर एम का इंस्टेंस नहीं करके सिर्फ बी का इंस्टेंस तो सिर्फ एक मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा करके ये सब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और कुछ बोला ना, ख़त्म यहाँ के बाद से मेरा, अब वापस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है हमारा, क्या क्या ख़त्म हो गया है, पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको बताया अभी था, पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा था इनहेरिटेंस, ये भी ख़त्म हो गया है, तीसरा था एब्स्ट्रक्शन, ये तो इसमें प्रॉब्लम आ गया इसलिए हम लोग इंटरफेस के तरफ पढ़े, नहीं तो इधर से हम इधर नहीं पढ़ने वाले थे, हम लोग इनकैप्सुलेशन की तरफ पढ़ने वाले थे, इसमें प्रॉब्लम था इसलिए इधर आ गए थे हम लोग, इंटरफेस को पढ़ के निकल गए, है ना जी। अब आते हैं कि हम लोग का इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो ऑलरेडी समझेंगे, चलो इनकैप्सुलेशन पहले वर्ड पे जाते हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन आप वर्ड पे जाओ तो एक क्या एग्जांपल, हम खाली आउटपुट दिखा देंगे हम, ठीक है, तो ऑलरेडी एग्जांपल तो उतने हैं ही अभी, क्योंकि जब तक आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा बड़ा बड़ा कुछ सोच नहीं सकते, इस छोटा मोटा वही बाइक का डिक्लेरेशन दिखाएंगे, डिफिनेशन दिखाएंगे इतने में, वो तो ऑलरेडी, इसलिए ऑनलाइन हम थोड़ा सा कुछ तो एग्जांपल देख ही लिए हैं कैसे डिक्लेरेशन कैसे डिफिनेशन होगा, ठीक है। अगर कि मेरा जब तक प्रोजेक्ट नहीं आएगा इस सब का इस्तेमाल ही नहीं आता, जितना भी पढ़ लीजिए आप तो छोटा छोटा एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि जब डेटाबेस पढ़ेंगे, जब लॉगिन सिस्टम पढ़ेंगे तब मुझे समझ में आता है, अच्छा मैं लॉगिन करके किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या क्या फंक्शन एक्सेस होगा, मैंने वही जो रोल मैनेजमेंट जिसके बारे में बात करें, वो तो प्रोजेक्ट के बिना कैसे पॉसिबल है, ठीक है। चलिए इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल आप देखे हो, कैप्सूल ऑब्वियसली देखे हैं, ठीक है, इसमें दवा भरा रहता है ना जी, दवा भरा रहता है, दवा को खोल के क्यों नहीं रखा रहता, वो दाना दाना मॉइस्चर के कारण ख़राब हो जाएगा, ठीक ना, लेकिन वो प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन ये हम लोग दवा को खाते हैं जब, तो पेट में जाके घुलता है, वहीं पर खुलता है, तो रिएक्शन तुरंत होता है। लेकिन जब कोई अभी मैंने एकदम एक पैर कब्र में एक पैर खटिया पे जो हाल रहता है, उन लोगों के लिए ये वेट नहीं किया जाता, उन लोगों को डायरेक्टली पानी में घोल के सीधा पिला दिया जाता है, मतलब वो कब जाके पेट में खुलेगा उतना डायरेक्टली, हाँ ख़त्म, तब तक निकल गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो हम लोगों के पास बिल्कुल कैप्सूल भी कुछ ऐसा ही है कि अगर मेरे पास वेरिएबल हो, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ वेरिएबल हैं और कुछ फंक्शंस हैं, उसको कैसे हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। बोला गया तीन टाइप का प्रोटेक्शन है यहाँ पे, एक है पब्लिक प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्शन एंड प्राइवेट प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है। हमने बोला भी था कि ये आफ्टर रोल मैनेजमेंट इसका किसी का काम होता है, कि जो मैंने एक्सेस दे दिया, जैसे मैंने आपको बोला भी था कि आफ्टर रोल मैनेजमेंट, मान लीजिए फिर व्हाट्सअप में क्या होता है कि हमको दे चुका है व्हाट्सअप, जो जो आपको एक्शन दे मैंने एक्टिविटी देना है दे चुका है, आप लोग अपना स्टेटस में लगा सकते हो कि मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, कुछ फ्रेंड लोगों को दिखाना चाहता हूँ या प्राइवेट करके रखना चाहता हूँ, ठीक है। ये कब करता है आदमी लोग, जब दुखी रहता है, ठीक है, कि कुछ ऐसा स्टेटस लगा के फिर सब फोटो वोटो डिलीट मार देगा, ठीक है, दुखी आदमी तो बनना ही नहीं है। तो पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ठीक है। तो अब आते हैं क्या हमारा, पहले चीज़ों को समझ लेते हैं कि कब मुझे पब्लिक, कब मुझे प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये मुझे समझ में आता है, ये भी बहुत जल्दी समझ में आता है जो है इसके लिए, इसको लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझना होता है, क्योंकि आपको खेलना जो है इससे, इससे भी है, इससे भी है, लेकिन ये ज़्यादा खेलना है, ठीक है। बोला चलो देखते हैं, पब्लिक का मतलब क्या हुआ, अगर किसी वेरिएबल को या पूरे क्लास को अगर मैं पब्लिक डिक्लेयर कर देता हूँ तो, ठीक है, अगर मैं किसी क्लास को एक पब्लिक डिक्लेयर कर देता हूँ तो अब उसको क्या कर सकता है, ऑल क्लास कैन एक्सेस, ऑल फोल्डर कैन एक्सेस,
ऑल फाइल कैन एक्सेस, क्योंकि मैं एक लाइन, अब जैसे आप लोगों को शुरू में सिखाए थे एक क्लास से प्रोग्राम बनाना, फिर दो क्लास, फिर अब मल्टीपल क्लास, लेकिन ये अभी तक एक ही पेज का कोड बनाना सिखाए हैं, अब ये दूसरे पेज में भी जाएगा, दो पेज को कैसे आपस में लिंक करेंगे, तीन चार पाँच, क्योंकि होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ऐसे लाखों लाखों पेज बनेगा, तो ये आपस में कैसे, मुझे अगर होम का कोई फंक्शन को कॉल करना होगा तो कैसे कॉल करेंगे, तो ये सब चीज़ सीखेंगे। तो दूसरा फाइल कैसे एक्सेस कर सकता है, दूसरा फोल्डर, ये तो हुआ मान लीजिए, ठीक है ये अभी ये स्पेसिफिक फोल्डर, मान लीजिए कोई भी माई एल्बम बोल के कोई फोल्डर है, उसमें कुछ कोडिंग किया हुआ है, माई स्टफ बोल के एक फोल्डर है, उसमें कुछ कोडिंग, अब मुझे उसका फंक्शन को चाहिए, यही तो आपको लाइब्रेरी धीरे धीरे सीखना शुरू होगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग दूसरे फाइल का कोड को एक्सेस करेंगे, कैसे मैं दूसरे क्लास का कोड को एक्सेस करूँगा। तो ऑल फाइल कैन एक्सेस, ऑल क्लास कैन एक्सेस, ऑल फोल्डर कैन एक्सेस प्राइवेट, ठीक है, ओनली दिस क्लास कैन एक्सेस, दिस मतलब उसी क्लास में, ओनली दिस क्लास कैन एक्सेस, ओके, दिस क्लास कैन एक्सेस मतलब दिस क्लास कैन एक्सेस, ओके, ओनली दिस क्लास कैन एक्सेस प्राइवेट एलिमेंट, ठीक है, तो दिस क्लास मतलब जिस क्लास में है सिर्फ उसी क्लास में सिर्फ एक्सेस हो सकता है, लास्ट जो बचा हुआ है ये, ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल से बताया था, मान लीजिए जैसे एग्जांपल बताए थे, दो बच्चा जब मान लीजिए घर में झगड़ा करता है, स्पेसिफिक घर में झगड़ा, घर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, कोई तीसरा पर्सन इनको आके अगर झगड़ा कर रहे हैं, तो कोई तीसरा पर्सन अगर आके बचाने का सोचेगा तो वो आपस में झगड़ा छोड़ के उसको मारना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा होता है इसका केस, लेकिन यही चीज़ मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं एक घर के सदस्य, अब घर के सदस्य तक आप किसी किसी पड़ोसी को भी घर का सदस्य ही मान लेते हो तो वो भी छुड़ाते हैं तो छूट जाता है ना जी, बाहर वाला नहीं, जिसको आप अपना मान लेते हो उसको तब तक ठीक है, यही है थोड़ा सा कोडिंग, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड वाला डेंजर है, सबसे डेंजरस है उसको समझना, ठीक है, बोला गया क्या क्या कर सकता है, ऑल क्लास कैन एक्सेस, लेकिन कहाँ तक, बट ठीक है, लेकिन सेम फाइल में एक्सेस, सब क्लास सेम फाइल में कर सकता है, सेम फोल्डर में भी कर सकता है, सेम फोल्डर तक मतलब आपको मान लीजिए मोहल्ला को आप फोल्डर मानते हो, आप मोहल्ला में सब लोग के भाई, आप मोहल्ला वाला सब लोग आपको जानता है, आप लोग को झगड़ा छुड़ा सकता है, यहाँ तक ठीक है, दूसरे मोहल्ला का आदमी आके छुड़ा रहा है ऐसा नहीं हो सकता, नॉट डिफरेंट फोल्डर, मतलब सेम फोल्डर तक यहाँ तक ठीक था, ठीक है, फोल्डर और फाइल्स में डिफरेंस ये है, देखते हैं, ये सब फाइल्स हैं, अच्छा उस कोडिंग में क्या कहना चाहते हैं वो भी दिखा देते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ तक समझ में आया, टर्बोसी फोल्डर को हम अच्छे से समझते हैं, टर्बोसी के अंदर घुसे हैं, ये ऐसे फोल्डर वाइज क्यों बना के रखा है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि अच्छा बिन के अंदर सिर्फ बाइनरी रिलेटेड फाइल है, इंक्लूड के अंदर इसको बोलते हैं कैटेगराइज्ड करना, कि मतलब नहीं मुझे सारा मान लीजिए एडमिन सेक्शन इसमें है, सारा कैटेगरी सेक्शन इसमें है, प्रोडक्ट सेक्शन इसमें कोड लिखा हुआ है, तो जब कैटेगराइज कीजिएगा, लेकिन कभी कभी होता है कि जब आप सोचो आप एक जब कंपनी का प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको समझ में आएगा, ये शॉपिंग साइट ही बनाइए ना समझ में आ जाएगा, एक शॉपिंग साइट में क्या होता है पता है, खासकर फ्लिपकार्ट की तरह शॉपिंग साइट, फ्लिपकार्ट की तरह अगर शॉपिंग साइट बनाना है, फ्लिपकार्ट जानते हैं उसका एक भी प्रोडक्ट उसका नहीं है, फ्लिपकार्ट में एक भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट का नहीं है, ये लोग क्या किया है आप ही का प्रोडक्ट आपको बिचवा रहा है, ठीक है, ये वेंडर लोगों को जोड़ के रखा है, बहुत सारे वेंडर लोगों को, कोई जूता बेचता है, कोई कपड़ा बेचता है, ऐसे लोगों को बहुत लोगों को, कोई टॉय बेचता है, वेंडर लोगों को जोड़ के रखा है, वेंडर अपना प्रोडक्ट अपलोड किया समझिएगा, ये प्लेटफॉर्म बस दे के रखा है, जोमेटो, जोमेटो का एक भी ऑफिस तक नहीं है कहीं पे पूरे इंडिया में बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना, बहुत बड़ा बिजनेस है ये, ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं हर दुकान वाले को रजिस्टर करवा ले रहा अपने अंडर में, भैया मैं आपका कितने कस्टमर आते हैं पूरे दिन में 10 कस्टमर, मैं आपको 100 कस्टमर दूंगा, बस मेरा ऐप यूज़ कीजिए, मैंने ये दावा दे के ये कर रहा है, तो ये सेम चीज़ है, वेंडर लोग अपना प्रोडक्ट समझिएगा, तो क्या इसके लिए अलग बना हुआ है, इसके लिए अलग बना है? नहीं, कोड तो मेरा एक ही बना हुआ है ना, तो मतलब मेरा क्या है वेंडर का जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वो वेंडर नाम के टेबल में हो रहा है, तो वेंडर का आईडी क्या है, वेंडर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका दुकान का नाम क्या है, उसका ट्रेड लाइसेंस क्या है, जो भी अपना है प्रोडक्ट टेबल में है,
प्रोडक्ट टेबल में है, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल में क्या हो सकता है, ये प्रोडक्ट टेबल में अगर हम सिर्फ डालेंगे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, कौन सा ब्रांड का है, कितना ऑफर है, अगर डाल देंगे, ये कैसे पता चलेगा कि ये वेंडर ही अपलोड किया है, नहीं पता चलेगा। मतलब इसमें एक वेंडर आईडी भी होना चाहिए, ये पता तब ना चलेगा कि यही वेंडर ने अपलोड किया है, समझिएगा। अब तो वेंडर का अलग फोल्डर, प्रोडक्ट का अलग फोल्डर, लेकिन आपस में तो लिंक है कहीं ना कहीं, एक एक छोटा सा कॉलम में वो डेटा से ही, लेकिन लिंक जरूर है। अब कोई यूज़र, यूज़र जब रजिस्टर किया तब तक कोई दिक्कत नहीं है, यूज़र क्या अपना सब डेटा डाल के रजिस्टर किया, ख़त्म। अब जब ऑर्डर करेगा, आप सोचो क्या होता है, कौन यूज़र, पूरा डेटा कौन भरेगा फिर से, तो रजिस्टर किया तभी तो उसका डेटा पूरा भरा हुआ है। पहले तो ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, कौन से प्रोडक्ट का, वो जब ऑर्डर करेगा तो किसी प्रोडक्ट को ही ऑर्डर करेगा भैया, ठीक है, कितने तारीख को कितने बजे, सब कुछ। अब ये प्रोडक्ट आईडी देख के ये टक करके एक ठो मेल जाता है तुरंत, जब ऑर्डर होता है ना तुरंत देखता है कि ओ ये किस वेंडर से है, उसका ईमेल आईडी क्या है, टक करके उसके मेल में चला जाता है कि एक आपका ऑर्डर बुकिंग हुआ है। सब आपस में लिंक होकर प्रोजेक्ट बनता है, समझिएगा। तब जाके आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना पाओगे, आपको इसमें समझ में आएगा कि नहीं भाई मुझे कैटेगराइज करके, नहीं तो आप खुद में उलझने लगोगे, इसमें भी इंसर्ट फोल्डर, ये क्लास, इसमें भी वही सब क्लास, सब एक थोड़ा थोड़ा चेंजेस, इतना नाम सोच भी नहीं सकते हो, तो सबको कैटेगराइज करके रखना जरूरी होता है फोल्डर वाइज। अब आपको ऑर्डर टेबल से अगर यूज़र का डेटा उठाना है, ये तो अलग फोल्डर बनेगा, पहले तो यूज़र का डेटा उठेगा ना जी, नहीं तो कौन यूज़र ऑर्डर कर रहा है, ये तो डेटा को उठाना ही होगा। कौन से प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके परचेज कर रहा है, परचेज कर भी रहा है या नहीं, झूठ मूठ का परचेज किया तो पैसा, जब पैसा आने का बारी आया कैंसिल कर दिया, बैक कर दिया, तो ऑर्डर हो जाएगा, कोडिंग लिखना पड़ता है ना, तो पैसा पे किया नहीं किया तो पेंडिंग में आप रखा रहेगा। मैंने ये हो सकता है कि भाई किसी का गलती से हो गया, ऐसा भी हो सकता है, कोई जानबूझ के कर रहा है, कोई गलती से कर रहा है, कोई उसी में चलाकी, हैकर लोग इसी में गलती ढूंढता है, कहीं ऐसा नहीं कि हम लाखों लाखों सामान भी ऑर्डर कर सकते हैं बिना पैसे दिए भी, तो एकदम एक्सपेरिमेंट मारते रहता है पूरा दिन, ठीक है, कहीं भी एक भी लूप होल मिला घुस जाएगा पूरा, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपका काम होता है। तो ये है कि अगर किसी से गलती हो गया मान लीजिए बैक, तो फिर से वो ऐड टू कार्ट, फिर से शिपिंग एड्रेस पे बोर हो जाएगा, कस्टमर आपका भागने लगेगा, तो भाई ठीक है, आप हैकर हो तो आपके लिए भी सिक्योरिटी दिया हुआ है, जो हैकर नहीं है सच में ईमानदार है उसके लिए भी पेंडिंग में डाल दो, फिर से नेक्स्ट, फिर से पेमेंट वहाँ से फिर बैक कीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जब आप बनाओगे, इसके लिए आपको सच में मैंने बहुत बड़ा कोर्स है ये, एक शॉपिंग साइट जो बना लेता है वो ड्रीम, मतलब वो आपका लास्ट प्रोजेक्ट रहेगा, इसमें आपको सब कुछ एक साथ आता है, ठीक है, आप कैसे कैसे क्या क्या करोगे, तो आपको यही चीज़ सिखाया जाएगा, कैसे प्रोटेक्टेड काम करता है, कैसे पब्लिक करता है, कौन एक्सेस दे सकता है, क्या यूज़र, सुनिएगा, क्या यूज़र, कोई यूज़र ऑर्डर हिस्ट्री देख सकता है तो अपना सिर्फ देख सकता है, दूसरे का क्यों देखेगा, ठीक है, क्या वेंडर का लिस्ट देख सकता है, तो अगर वेंडर का लिस्ट देख लेगा ना तो फ्लिपकार्ट की तरफ क्यों जाएगा, डायरेक्टली कॉल कर देगा, भैया मुझे 100 प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि उसमें फ्लिपकार्ट का कमीशन लगा हुआ है ना, कि अगर आपका प्रोडक्ट मेरा बिकेगा 1,00,000 का प्रोडक्ट में मेरा 20,000 रुपये मेरा, 80,000 आपका, पैसा वाला हिसाब है, ठीक है, तो ना किसी वेंडर का नाम नहीं दिखेगा, ठीक है। वेंडर लोग देखिए कितना अच्छा है, वेंडर लोग अगर आपको शिपिंग कौन करता है, इसमें फ्लिपकार्ट का कहीं लॉस नहीं है। आप लोग जो कुछ ऑर्डर करके ना, जैसे बीटेक का स्टूडेंट लोग जब करता है गलती करता है, अच्छा ही करता है, समझ लीजिए, मान लीजिए किसी दोस्त का बर्थडे है, ऑर्डर किया 2 दिन के बाद रिटर्न कर दिया, बर्थडे भी मन गया, अब रिटर्न भी कर दिया, पैसा पूरा वापस, थैंक यू, वैसे उसी के लिए तो वो कर रहा है, लेकिन इसमें लॉस पूरे का पूरा लॉस किसको हुआ, तो सिर्फ वेंडर को हुआ, फ्लिपकार्ट को 1 रुपया भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है, पूरा वेंडर का भेजने का खर्चा जो भी है, ठीक है, पूरा का पूरा लगभग जितना पैकिंग वैकिंग रैपिंग आप फाड़ फूड़ के फिर रिटर्न कर देते हो, ठीक है, कि खराब प्रोडक्ट है कुछ भी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है, तो वेंडर का एड्रेस नहीं देखता, वेंडर जो कागज़ में प्रिंट करके भेजेगा बिना उसमें भी एड्रेस नहीं रहेगा, ठीक है, तो
तो ये सब चीज़ें आपको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये सब चीज़ें आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में मिलता है, ठीक है। तब तक के लिए तो हम लोग सिर्फ इनकैप्सुलेशन रिफंड जब रिप्लेस करेंगे तो उसके एड्रेस पे जाने के लिए वेंडर का एड्रेस, वेंडर का एड्रेस रहता है आपका, बिल में वेंडर का एड्रेस रहता है। ओके, मैं कभी गौर नहीं किया क्योंकि मुझे मैंने मीशो में अप्लाई किया था एज अ वेंडर, ठीक है। तो मुझे पहले से बोल दिया गया कहीं पे भी AICT का लोगो, AICT का कृष्णा कुमार दुकान का नाम लिखिए, ठीक है, एड्रेस लिख सकते, ना फोन नंबर ना कुछ, एक कागज़ में भी कहीं पे मिल गया तो आपको पेनल्टी भरना पड़ जाएगा कई लाख रुपये। फोन नंबर नहीं, एड्रेस लिख रहा था, हो सकता है तब ये चीज़ हम उतना, हमने मुझे बोला गया, हम तो अभी कुछ बेचे नहीं है लेकिन एज अ वेंडर बस रजिस्टर किए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तब समझ में आता है कि नहीं भाई ये एक्चुअली में कितना डेफ तक आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप वो छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना पाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ है। अब इन कैप्सुलेशन का कोडिंग कैसे लिखते हैं, बस खाली कीवर्ड का तो खेल है, ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा सा, चलो कोडिंग करते हैं, ठीक है। इंद्राणी समझ में आ रहा है सर? ओके, चलिए देखिए, एक क्लास, ध्यान से आप फिर से समझना, एक क्लास, क्लास के अंदर मैंने क्या किया, एक पब्लिक फंक्शन डाल दिया void, मान लीजिए ऐड नाम का एक फंक्शन जिसमें कुछ भी लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हाई या कुछ भी, मुझे क्या लग रहा है ना इससे। ओके, बोला गया। दूसरा प्रोटेक्टेड लिख दिया void डिलीट, ओके, उसमें भी कुछ मैसेज प्रिंट कर दिया हेलो। तीसरा जो है मेरा प्राइवेट लिख दिया void लिस्ट, वेल, ठीक है। चौथा मैंने लिया जिसमें कुछ लिखा ही नहीं, void सर्च, बाई डिफॉल्ट क्या समझता है, प्रोटेक्ट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कौन सा समझता है, प्रोटेक्ट, ठीक है। तो मतलब दैट मीन्स आपके पास डन, तो दैट मीन्स ये है कि आपके पास जो डिफॉल्ट समझता है वो है प्रोटेक्ट, क्लियर। अब आते हैं ये सेमी, अभी तक हम सेमी फाइल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ही फाइल के अंदर अगर हम दूसरा क्लास एक बना रहे हैं, क्लास बी, चाइल्ड क्लास बनाइए आप, नेबर क्लास पहले बनाइए, नेबर क्लास के पास पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है। पूछ के ही अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बना के ही अगर आप कॉल करते हो, किसको किसको कॉल कर सकते हो, सिर्फ ऐड को कॉल कर सकते हो और सिर्फ किसको किसको जी, डिलीट को भी कॉल कर सकते हो क्योंकि प्रोटेक्टेड है, लिस्ट को नहीं कॉल कर सकते, ठीक है। तो सर्च को भी कॉल कर सकते हो, तो सर्च को भी कॉल कर सकते हो और डिलीट को भी कॉल कर सकते हो, लेकिन किसको नहीं कॉल कर सकते आप, तो लिस्ट को। तो मतलब ये हुआ एक चीज़, क्या ये चाइल्ड क्लास होता तो पॉसिबल था, बोला नहीं, प्रोटेक्टेड मतलब प्रोटेक्टेड होता है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि एज अ एडमिन, मान लीजिए हम एक एग्जामिनेशन सिस्टम बना रहे हैं, सोचिएगा, मैंने सोचा कि एग्जामिनेशन सिस्टम बनाते हैं, मान लीजिए थोड़ा बिजनेस बड़ा हो गया, छोटा प्रोजेक्ट ठीक था, बिजनेस बड़ा हो गया, क्या मैं ही अकेले क्वेश्चन अपलोड करते रहूँगा, अच्छा लगेगा, एक आदमी कितना करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 600 क्वेश्चन पूरे मंथ में या 6000 क्वेश्चन। तो मैं क्या किया, मान लीजिए एज अ एडमिन, एडमिन का मतलब होता है फुल परमिशन, ठीक है, मैंने एज अ एडमिन बना दिया। अब क्या किया, कोई सर को ही डिलीट मार देते हैं यहाँ से, ठीक है, जब मेरा ही खत्म, पूरा बिजनेस मेरा रहा, ठीक है, नहीं ना कर सकते। तो ये चीज़ है प्राइवेट, बिल्कुल वो चीज़ में आपको एक्सेस नहीं दिया जाएगा, आप इसको भी नहीं निकाल सकते, निकालने का मतलब व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप में वो परमिशन दे के रखा है इसलिए वैसे हो जाता है, वरना आप चाहो तो किसी को भी एज अ एडमिन, अपना सिमिलर पोस्ट वाले को नहीं, आप टीचर को निकाल सकते हो, किसी को भी आप जैसे हो, ठीक है। फिर आपको जो परमिशन देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि नहीं सिर्फ आप अपना क्वेश्चन, पता चला कि आपसे इनका दुश्मनी हो गया, आप इनका क्वेश्चन सारा डिलीट मार दिए, जो इनका पैसा मिलने वाला था मंथ में कि अरे मैंने सर इतना क्वेश्चन गया, ऐसा नहीं, आपको सिर्फ अपना क्वेश्चन दिखेगा, इनको सिर्फ अपना क्वेश्चन दिखेगा, आप एडिट कीजिए डिलीट कीजिए जो भी कीजिएगा, आपका तो मंथ में काउंटिंग दिखाएंगे, तो प्रोजेक्ट को जैसा मोड़ना चाहते हैं वैसे मुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाइल्ड क्लास बनाने, चाइल्ड मतलब आप
सेम परमिशन वाला उल्टा मेरे से ज़्यादा आपको अगर परमिशन भी फिर भी लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला परमिशन आपके पास न रहे तो वो परमिशन आपके पास नहीं रहेगा, प्राइवेट लिख के ठीक है बस कोड कर देंगे ठीक है। तो ये चीज़ें आपको तो पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तो ये तो सेम वाला में आपको बहुत ही ईजीली समझ में आएगा। दूसरा में कैसे करेंगे सबसे बड़ा चीज़ है ये ठीक है। तो दूसरा तक मैंने क्या कहना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये एक क्लास को ध्यान से एक क्लास को आप ऐसे ही रहने दीजिए, बी क्लास आपको नहीं बनाना है। ये एक क्लास को ठीक है आपको ऐसे ही रहने देना है ठीक है, इसको इसी नाम से सेव। आप आज तक ये नहीं देखे थे कभी भी बिना मेन फंक्शन के पूरा कोडिंग तो ए डॉट जावा बोला कि आप तो नाम सेव नहीं कर सकते क्योंकि मेन फंक्शन तो है नहीं, तो बोला गया तब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। इससे समझ में आ जाता है कि ओ कहीं और एक्सेस करने के लिए इसको बनाया गया है। आपको इसका अगर क्लास को आप पब्लिक बना दिए तो इसका मतलब वो समझ जाएगा कि ये किसी और फाइल में एक्सेस करने के लिए बनाया गया है। ओके आप मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए हमारा घर ठीक है, हमारा घर एक पब्लिक प्लेस है जहाँ तक जो तो आस के घूम सकता है ठीक है, उसी में होता है ना भैया से मिल सकते हो सबसे मिल सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं भैया मुझे किसी से मिलना नहीं है, तो उसमें भी क्लास पब्लिक हो गया मतलब दैट नॉट मीन्स कि पूरा मेंबर पब्लिक हो गया, आप उसमें भी कुछ चाहे तो प्राइवेट डाल सकते हो ठीक है। ओके तो क्लास पब्लिक होने का मतलब ये नहीं है, और अगर कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा प्रोटेक्टेड ठीक है। तो मतलब दैट मीन्स अगर ए नाम का एक क्लास बना लिए और एक बी नाम का क्लास बनाए, बी नाम का क्लास बनाए बी डॉट जावा सेम ही लोकेशन पे मैंने दोनों को डेस्कटॉप पे ही बनाए, तो क्या कुछ करने का ज़रूरत है, तो बोला ना क्लास बी कुछ नहीं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, बहुत तगड़ा कोडिंग होता है। अभी तक तो ये सब जरूरत ही नहीं पड़ा था, आप जितने भी फंक्शन जो जो उसमें कर सकते थे क्योंकि सेम तक ठीक था तो पब्लिक तो एक्सेस हो ही जाएगा। प्रोटेक्टेड बोला हाँ प्रोटेक्टेड भी एक्सेस क्योंकि अभी तक दोनों सेम फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप एक फोल्डर ही होता है कंप्यूटर की भाषा में फोल्डर ही है, तो जो जो सर्च डिलीट जो जो कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन प्राइवेट नहीं कर सकते ठीक है। अगर मैं इसको किसी और फोल्डर में घुसा दूँ तो बोला अब तो नहीं सिर्फ पब्लिक वाला कर सकते हैं अगर किसी को नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक करने के लिए भी आपको फोल्डर का पाथ देख के करना पड़ेगा। बोला चलिए करके देख लेते हैं कितना दूर तक खाली कर लेते हैं। सर बोलिए सर আপনি একটা কথা বললেন না যে মেইন ফাংশনটা ছাড়াও এটা পসিবল ওটা মানে বুঝলাম না ওটা কি বলতে চাইলেন। मैंने आपको बोला कि देखिए आप लोग आज तक क्लास जितना भी कोडिंग किए हैं उसी में मेन फंक्शन होता था, चाहे उस क्लास में हो चाहे उसके नीचे वाले क्लास में हो, लेकिन मेन बिना मेन फंक्शन के कोई फाइल सेव नहीं होता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जिस नाम जिसमें मेन फंक्शन होगा फाइल का नाम उसी नाम से सेव होगा, तो मेन फंक्शन तो इसमें है ही नहीं तो ए नाम से कैसे सेव कीजिएगा। तो इसको पब्लिक लगा दीजिए तब वो समझ जाएगा कि ये किसी और फाइल में ऐड होने के लिए बना है, इसमें मेन फंक्शन है ही नहीं। क्लियर हमें देखिए दीजिए। ओके चलिए हो गया क्लास ए ध्यान से बस पब्लिक void एक मान लीजिए कुछ भी add one नाम का फंक्शन system dot out dot print ln मैसेज का नाम, तो मान लीजिए add one ही नाम का मैसेज भी दे दिए, तो ये एक पब्लिक फंक्शन बना दिए, एक प्रोटेक्टेड फंक्शन बना दिए, एक प्राइवेट फंक्शन बना दिए, एक कुछ नहीं ठीक है। तो एक पब्लिक हो गया एक प्रोटेक्टेड हो गया, तो एक प्राइवेट हो गया ओके तो ठीक है। प्राइवेट फंक्शन ऐड थ्री ठीक है ओके लगे कि अब किसी एक में कुछ नहीं ऐड फोर हाँ जी तो थ्री फोर सही है
मतलब कि हमने इस, चलिए एक एक ही बार मैं समझा देता हूँ तो जल्दी समझ में भी आ जाएगा। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया ए डॉट जावा नाम से। मैंने तो रखने को तो मैं रख ही सकता हूँ भाई, हो सकता है मैं नोट पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन अब कंपाइल करेंगे cmd cd स्पेस डेस्कटॉप जावा सी स्पेस ए डॉट जावा, ठीक है, जावा स्पेस ए, लगे मेन फंक्शन मिसिंग है, ठीक है, ओके, मतलब कंपाइल तक ठीक था, ठीक है। अब आते हैं क्या, ठीक है, अब आता है दूसरे फाइल के बारे में, एक अलग फाइल से बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो बोला क्या, क्लास जैसे ये था वैसे ही क्लास बी, क्लास बी जिसके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्ट्रिंग args, ओके ओके, अगर मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पब्लिक उधर नहीं बनाया हूँ ये ध्यान रखिएगा, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ob1 डॉट, हम सबको सारे फंक्शन को ही add one हमको तो मुझे कोई ना पता है कि कौन सा एक्सेस दिया है कौन सा नहीं दिया है, एड टू एड थ्री एड फोर बी डॉट जावा, ठीक है। अब cls जावा सी स्पेस बी डॉट जावा, पहला तो क्या लिखा, एक्सेस नहीं है, ठीक है, आप प्राइवेट एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, ये तो कंपाइल टाइम में ही पकड़ लिया, ठीक है, पहले उसको हटाइए। अब जावा स्पेस बी, मतलब ये क्यों पास हो गया जानते हैं, क्योंकि ये अभी तक प्रोटेक्टेड था, प्रोटेक्टेड था इसलिए बच गए आप, क्योंकि प्रोटेक्टेड क्लास भी प्रोटेक्टेड है ना, कुछ नहीं लगाया मतलब प्रोटेक्टेड है, और ये दोनों एक ही लोकेशन पे हैं, दोनों ही डेस्कटॉप पे हैं, इसलिए बच गए। लोकेशन चेंज करेंगे तो तुरंत वो काम नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल, लोकेशन जहाँ चेंज करेंगे तो मुझे कोई बेकार का हो गया, मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ऐसे भी प्राइवेट तो समझ में आ गया कि प्राइवेट आपको एक्सेस नहीं करना है, तो सर मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट एक्सेस करवाऊँ, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि चार में से एक ऐसा एडमिन हो जिसके पास मैं चाहता हूँ कि एक्सेस दे दूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे तो पता है कि प्राइवेट एलिमेंट कभी भी एक्सेस नहीं होगा, लेकिन जो एक्सेस होगा आया ना वो तो कॉल कर ही सकता है। लीजिए, हो सकता है कि नहीं, मैंने पकड़ लीजिए एक कंपनी में, मान लीजिए एक कंपनी में, कंपनी हो या घर में हो, एक गद्दार निकल गया या बिकने वाला, जो जो बिकने वाला निकल गया, तो उसको ठीक है उसको खरीद लो, वो आपको जो जो प्राइवेट भी होगा वो भी चीज़ आपको ला कर दे देगा, यही ना सिंपल, ठीक है। तो बस अब कंपाइल करते हैं, कंपाइल पहले तो ए को भी करना पड़ेगा, तब रन नहीं कराना होगा, बी को भी करना होगा, बी 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 को भी करना होगा, और रन भी करना होगा बी को, देखिए तीनों चारों आ गया, लेकिन घूम के थोड़ा आए, तो जिसमें मैं चाहता हूँ जिसको एक्सेस देना, प्राइवेट भी हम एक्सेस कर सकते हैं, बस अत्य हम जो लिखेंगे वही होगा ना, यहाँ पे मैं इफ एल्स लगा दूंगा कि अगर ये यूज़र आईडी आएगा तभी वो लॉगिन हो, वरना वो एक्सेस दो, वरना बाद बाकी को नहीं देना है, ठीक है। तो मैं जो करना चाहता हूँ वो करवा सकता हूँ, तो मैंने अभी ये तो बस आपको समझाने के लिए, ऐसा तो करना नहीं है मुझे, मुझे तो जो करना था वो हो गया, ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन कंपाइल करके मैंने हमको बार बार सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, मैंने ऐसा नहीं कि हम नहीं परमिशन दिए हैं फिर भी आप घुस सकते हो, हम अगर परमिशन नहीं दिए हैं तो भी आप घुस सकते हो, ऐसा नहीं, क्लियर। अच्छा लगे सर फोल्डर कैसे बनाते हैं, उसके लिए मुझे ये टॉपिक नहीं है, ये इनकैप्सुलेशन की तरह ही है, इनकैप्सुलेशन में ही है, बट ये टॉपिक का नाम अलग है, टॉपिक का नाम क्या है, जस्ट इसके बाद ही हमारा स्टार्ट होगा, पैकेज। ये क्या होता है, यही है कैटेगराइज्ड, पैकेज क्या होता है, ये फोल्डर वाइज कैटेगराइज करना,
फोल्डर वाइज कैटेगराइज्ड करें, कैटेगराइज्ड जो भी हो स्पेलिंग, ठीक है, कैटेगराइज करना फोल्डर वाइज, ठीक है। तो अब मुझे क्या कि मुझे मान लीजिए क्या करना है, मुझे बता देते हैं ए डॉट जावा, हम सोर्स कोड कभी बेचेंगे नहीं ना, किसी को भी हम सोर्स कोड नहीं बेचना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस तरह से कोड कर दिया, ये दोनों जब कंपाइल होगा तो इस फोल्डर में घुसेगा जो भी हो, ए डॉट क्लास फाइल बी डॉट क्लास फाइल, ये जब इन करेगा इस वाले फोल्डर में घुसेगा सी डॉट क्लास फाइल, और ये है सेटअप फाइल जिसके पास मेन फंक्शन होगा डी डॉट क्लास फाइल। आपको बेचना क्या है, ये सॉफ्टवेयर, ये सबको एक्सेस करेगा क्योंकि यहीं पे मेन फंक्शन है, तो ये आपको, लेकिन दूसरा स्पेसिफिक स्पेसिफिक फोल्डर वाइज हो गया, ये है पैकेज का कमांड। तो आपको पैकेज से कैसे काम करेंगे, यहाँ पे आपको पब्लिक क्लास के आगे भी लगाना होगा क्योंकि ये एक्सेस कर देगा क्योंकि दोनों एक में है, लेकिन ये एक्सेस नहीं कर सकता दोनों एक लोकेशन पे नहीं है। आपको सबसे पहले तो उसको पब्लिक बनाना पड़ेगा, मेक इट पब्लिक एंड देन अब उसके अंदर जो फंक्शन होगा जिसको एक्सेस देना चाहते हैं तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को किस में आता है, पैकेज, तो ये नेक्स्ट क्लास में, लेकिन शांत दिमाग से, ठीक है। ये तो अभी प्रोटेक्टेड था, जब इसको पब्लिक बनाएंगे तो कोई भी लोकेशन पे आएगा तो इसको फिर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक, बिल्कुल सही। कि ये मेरा कहीं पे भी रहे एक्सेस कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली फोल्डर एक्सेस करेगा। जैसे आप खुद भी देखो ना, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो ना, तो आप कभी भी देखे होंगे कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे सी हो चाहे जो भी हो, आप लोग कभी देखे हैं कि नहीं, सेटअप फाइल हमेशा बाहर रहता है, बाद बाद कैटेगराइज रहता है। सेटअप फाइल हम लोग इंस्टॉल करते हैं, वो कहाँ से क्या क्या लेके इंस्टॉल होना है सब कुछ ले लेता है ऑटोमेटिक, ओके। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से हमको खाली मेन जहाँ पे फंक्शन है उसके तक पहुँचना होगा, लेकिन हाँ बाद बाकी को भी कंपाइल करना होगा आपको। बिना कंपाइल किए क्लास फाइल जनरेट कैसे होगा, रन नहीं कराना है लेकिन क्लास फाइल जनरेट कर देना है, ठीक है। रन सिर्फ इसको कराएंगे, ठीक है। तो हम फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, क्या राइट क्लिक मार के न्यू फोल्डर, ऐसे नहीं, वो तरीका नहीं है, कोडिंग से सब होगा। मतलब तो हम लोग को राइट क्लिक मार के ऐसे सोचेंगे कि फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर ऑफ उसमें डाल देते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। कोडिंग ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, ठीक है।